सभी को गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस लिव होलिस्टिक के योगा फॉर माई हेल्थ के टॉक में, जहां पर हम हमेशा की तरह इस बात हम नए नए टॉपिक्स को लेकर चर्चा करते हैं। और जब ये समय है, जब जहां पर हम लोग नवरात्रि का समय है और जहाँ पर देवियों की पूजा होती है, तो आज लिव होलिस्टिक भी एक इसी तरह के विषय को आप सभी के साथ लेकर आया है। और हम लोग इसे एक ऐसे विषय पर आज चर्चा करेंगे एक ऐसे विशेषज्ञ के साथ जो महिलाओं से संबंधित जो योग है वो हमें बता सके। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस लिव होलिस्टिक के योगा फॉर माई हेल्थ के टॉक में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग एक जीवन जीने की कला है, और जब नवरात्रि की पूजा हो रही है और जहाँ देवियों की हम स्थापना कर रहे हैं और 9 दिनों तक विभिन्न प्रकार के देवियों का पूजन हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में एक जीवनचर्या में योग का अपना स्थान हो जाता है। तो जब ये 9 दिनों का समय है और ये एक ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, और इस समय ही जब रोग से बचने के लिए अपने अंदर एक इम्यूनिटी पावर डेवलप करने की जरूरत पड़ती है, तो योग यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के दूसरे ही पहलू जहाँ पर महिलाओं के विषय में अगर बात करें, तो आज की आवश्यकता और आज की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है कि हम लोग योग को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो योग का जो हमेशा एक पक्ष हमने इसमें अपने टॉक्स में हमेशा से देखा है कि योग हमेशा हमारे लिए जीवन जीने की कला है, लेकिन योग के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ डायमेंशंस हैं जिनको हमको लेकर चलना चाहिए। सबसे पहला ये कि हम लोग इसको फिटनेस के लिए अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से करते आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरा अप्रोच भी है जहाँ पर थेरेपेटिक अप्रोच भी हम लोग को लेकर चलना चाहिए कि योग से किस तरह से हम स्वस्थ हो सकते हैं, किस तरह से निरोग जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी के क्रम में ही हम लोग जब बात कर रहे हैं यहाँ योग की और एक विषय को लेकर आ रहे हैं जहाँ पर मेंस्ट्रुअल हेल्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है एक महिला के जीवन में, एक पुरुष के जीवन में और एक पूरे परिवार के एक संचालन क्रिया में, क्योंकि ये महिलाएं ही हैं जो घर का संचालन करती हैं। और यदि वो अपने जीवन में योग को अपना रही हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट उनके लाइफ में आता है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किस तरह से अपने आप को योग के द्वारा हेल्दी रख सके। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं कि किस तरह से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमें योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत सारे इस तरह के भी मन में प्रश्न आते हैं कि कौन से अभ्यास करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए। तब इस तरह के ही जब उधेड़ बुन में और मन में असमंजस की स्थिति हो, तो ही लिव होलिस्टिक इस तरह के विषय को लेकर आता है जहाँ से आपको समाधान मिल सकता है। और इस समाधान को यहाँ पर देने के लिए स्नेहा शर्मा जी, जो कि एक योगा ट्रेनर, इस तरह से हमें योग करना चाहिए। स्नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू लिव होलिस्टिक वेलनेस के योगा फॉर माय हेल्थ टॉक में। थैंक यू नीलाचल, थैंक यू वेरी मच, एंड इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट इवेंट, एवरीवन वांट्स टू हियर दिस बिकॉज आफ्टर द पोस्ट एवरीवन इज एक्साइटेड टू नो अबाउट इट, इट्स गुड। एग्जैक्टली, और ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है एंड वी रियली नीड टू फोकस ऑन दी बेसिक एस्पेक्ट्स, बिकॉज बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन्स भी हैं, बहुत सारे डिलेमा भी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसी के ही बीच में लोग यही ऑप्ट करते हैं कि हम नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत सारी चीजें हैं जो योग के बेनिफिट्स हैं उससे एक तरह से वंचित रह जाएंगे। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू हैव सम रियल फैक्ट्स अबाउट योगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मैं फिर से एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, जो गेस्ट हैं, स्नेहा शर्मा जी का, जो कि एक योगा ट्रेनर है, साथ में एक जर्नलिस्ट भी हैं, और इनका एक कॉम्बिनेशन ही इनको अलग अलग मंच पर लेकर जाता है। और अगर आप अपने टीवी पर कभी योगा कराते हुए किसी को देख रहे हैं तो आप इनको भी पा सकते हैं, इनको बहुत बार आप अपने टीवी पर भी देख सकते हैं जहां पर ये योग को तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्नेहा जी, और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नमस्ते, प्लीज लिसन केयरफुली, आपको ध्यान से सुनना है कि मैं आज क्या बता रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं आज हमसे, सो इसका जवाब मैं एक एक करके दूंगी, और आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो एंड ऑफ द दिस सेशन। जी बिल्कुल, जैसा कि स्नेहा जी ने कहा कि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखें या क्वेश्चन बॉक्स जो है उसमें आप मेंशन कर सकते हैं,
और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बेसिक, बहुत ही बेसिक प्रश्न के साथ में कि एक महिला के जीवन में ये जो हाउ इम्पोर्टेंट एक महिला का हेल्थ होता है, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट अगर इस पूरे फैमिली में देखा जाए तो. So, बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत अच्छा सवाल है कि एक एक महिला का स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है, हाउ लाइक वुमेन हेल्थ इज इम्पोर्टेंट. सो सबसे पहले बात करूंगी, एक विमेन जो होती है, हेल्थ सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बट व्हेन इट कम्स टू विमेन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी थिंग्स. ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिली, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर जस्ट नॉट अ विमेन, दे आर लाइक वो किसी की माँ है, किसी की सिस्टर है, बेटी है. सो दे हैव टू टेक केयर एवरीथिंग इन द फैमिली. हमेशा ये देखा जाता है कि एक महिला जो होती है वो अपने पर ध्यान कम देती है और दूसरे लोगों पे, अपने बच्चों पर ध्यान ज्यादा देती है, अपने पति पर ज्यादा ध्यान देती है, अपने घर के सारे सदस्यों पर ध्यान देती है, पर अपने स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान देती है. और यही वजह है कि हमारे देश में, यही वजह है कि हमारे देश में महिलाएं हैं वो ज्यादा ज्यादा बीमार हैं, मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है. दो रीजन है इसके, पहला लैक ऑफ टाइम, दूसरा है अपने ऊपर ध्यान नहीं देना. ठीक है, तो हमें इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को ध्यान दें जितना आप, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूंगी कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप दूसरों का ख्याल रखते हैं. क्योंकि अगर आप हेल्दी रहती हैं, अगर एक महिला, एक विमेन स्वस्थ होती है तो वो सबको स्वस्थ रख सकती है. अगर घर में वी आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, किचन, टेकिंग केयर, बच्चों को स्कूल भेजना, पति को ऑफिस भेजना, करते ही हम सब लोग. लेकिन अगर जब हम ही ठीक नहीं है तो वी कैन नॉट कीप हैप्पी आवरसेल्फ, हम खुद को खुश नहीं रख सकते हैं. और ये तो जाहिर सी बात है कि अगर हम खुद खुश नहीं है तो हम दूसरों को खुद खुश कैसे रख सकते हैं. तो सबसे पहले खुद को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, सभी के लिए है, लेकिन मैं विमेन्स के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए उनको, क्योंकि उनको कई चीजों से गुजरना पड़ता है ना. एक तो आप हर मंथ आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरना पड़ता है, दूसरा प्रेगनेंसी से गुजरना पड़ता है. तो ये सारी चीजें के लिए आपका बॉडी स्ट्रांग होना चाहिए, है ना. इसके अलावा हाँ, अभी नवरात्रि चल रहा है तो इसमें मोस्ट ऑफ द औरतें ज्यादा व्रत रखती हैं, फास्ट रखती हैं, सारी चीजें करती हैं, तो इसलिए उनका बॉडी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए सारी चीजों को समझने के लिए, देखने के लिए, झेलने के लिए, है ना. स्पेशली फॉर प्रेगनेंसी, फॉर मेंस्ट्रुअल्स, बिकॉज हर मंथ उनके बॉडी से ब्लीडिंग होती है. तो अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो आप कैसे टेक केयर करेंगे. एग्जैक्टली, वेल सेड. और जैसे आपने इस चीज को बताया भी, उसमें गांधी जी का जो कोटेशन है वो इस हेल्थ के रेस्पेक्ट में भी याद आ जाता है कि अगर आप एक वुमेन को एजुकेट करते हैं तो आपकी पूरी फैमिली एजुकेट हो जाती है. उसी तरह से अगर आप वुमेन को हेल्दी कर देते हैं तो पूरी फैमिली हेल्दी हो सकती है. और इसी तरह से ही जब आप इसी लेके चले कि हेल्थ के एस्पेक्ट में भी और बॉडी के पूरे मैकेनिज्म पर भी, तो एक चीज, ये चीज हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी मेन की जो बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी है और जो वुमेन की है, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वुमेन में बहुत ज्यादा होती है. तो वो जो कॉम्प्लेक्स इतना है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस समय किस तरह के बदलाव आते हैं किसी महिला के शरीर में जो कि उनको जानना चाहिए. सबसे पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है. लोग इस पे खुलकर बात नहीं करना चाहते. आज भी हर कोई इसके बारे में नहीं जानना, मतलब अगर जानते भी हैं तो बात नहीं करना चाहते हैं. इनको लगता है कि नहीं, ये हमारे छुपाने की बात है, नहीं ये तो ऐसी बात है. ऐसी कोई बात नहीं है. यू शुड एजुकेट योर चाइल्ड, योर किड, योर एवरीवन. ठीक है, क्या है ये, जो सिंपल सा है कि हमारे बॉडी में ओवरी होती है, यूट्रस होता है. तो ओवरी क्या करता है, एक को रिलीज करता है. ठीक है, अगर वो फर्टिलाइज होता है तो आप तो एक लेडी प्रेग्नेंट होती है. बट अगर वो अनफर्टिलाइज होता है, वो रिलीज होता है, तब ये साइकिल, ये पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन होता है. ठीक है, अब हम बात करें कि इसमें बदलाव क्या क्या होते हैं, चेंजेस क्या होते हैं. तो जब हमारे यूट्रस से जब हमें ब्लीडिंग होती है और बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में पेन होता है, बहुत सारे लोगों को बैक में पेन होता है, फिर चिड़चिड़ाव सी होती है. ये सारी सारे महिलाओं को ये मतलब होता है, कुछ लोगों में कम होता है, कुछ लोगों में ज्यादा होता है. तो पेट दर्द होना, चिड़चिड़ा
होना, किसी की बात में चेहरे पे पिंपल्स निकलना और इरिटेशन होना और बार बार कुछ खाने का मन करना, मीठा खाने का मन करना, ये सारी चीजें बड़ी आम बात होती है। ये सारे लक्षण उसमें उस टाइम देखने को मिलते हैं। जी, तो आपने एक बेसिक सा जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से बताया, और जो मूड स्विंग्स और बाकी सारी चीजें इसमें होती हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें एक बेसिक प्रिकॉशंस जो हेल्थ के रिस्पेक्ट में है, वेमेन को क्या करना चाहिए कि वो क्या करें, प्रिकॉशंस रखें जो वो इन टाइम्स में अपने आप को ठीक रख सके। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जब जैसे कि मैंने बताया मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो जो आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है योगा, ठीक है, एक्सरसाइज योगा जरूर करना चाहिए, बिकॉज ये अभी मैं आगे चल के बताऊंगी कि कैसे हेल्प करता है योगा। दूसरी चीज की आपको प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, जंक फूड आप ना खाएं तो बेहतर है, और कोशिश करें कि वार्म वाटर से अगर आप शॉवर लेते हैं तो ठंडे पानी से ना नहाएं और वार्म वाटर से नहाएं। हाइजीन का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। क्या होता है कि जब ब्लीडिंग होती है तो बहुत सारे लोग पैड्स बार बार चेंज नहीं करते, आपको 2 से 3 बार, एटलीस्ट 2 बार तो आपको दिन में पैड्स चेंज करने ही करने चाहिए। हाइजीन का बहुत सारे लोग वॉश के लिए अभी वॉश यूज करते हैं, पर उसके लिए आप कोशिश करिए कि भीतरी आपको नहीं यूज करना है ये सारी चीजें, केमिकल्स की जो चीजें होते हैं आप ऊपर से आप क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान करें। आप देखिए कि आपको कौन सा पैड शूट कर रहा है, आप घर का कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं या पैड यूज कर रहे हैं तो किस तरीके का। बहुत सारे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट पैड आते हैं, उसकी वजह से इचिंग की प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होते हैं, और वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को, इन्फेक्शन को शुरू करता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, इचिंग होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो हाइजीन का सबसे पहले विशेष ध्यान देना है। तीसरी चीज जो होती है कि पेन किलर्स लोग लेते हैं, पेट दर्द होता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि पेन बहुत ज्यादा होता है, बैर नहीं कर पाते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि इस दौरान पेन किलर्स ना ले तो अच्छा है। मतलब बहुत ज्यादा पेन है तो आप ले सकते हैं, पेन किलर्स लेने के बजाय आप जैसा कि आप सब लोग करते हैं हॉट वाटर का बॉटल आप सिकाई कर सकते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़ी देर अपने आप को ऐसे सिकुड़ के बैठते हैं तो उसके में भी रिलीज करता है। जब आपको पेन होता है तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, अपने घुटने को मोड़ करके थोड़ी देर के लिए अगर आप लेटते हैं तो उससे आपको रिलीफ मिलता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि पेन किलर्स ना ले। इसके साथ साथ आपको ऑयली फूड अवॉइड करना है, ठीक है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मिल्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पर मैं कहती हूँ कि इस टाइम में मिल्क ना ले, क्योंकि क्या करता है ये गैस्ट्रिक ब्लोटिंग और बढ़ाता है, तो इस टाइम में मिल्क ना ले तो अच्छा है। और हॉट वाटर का इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा, अगर आप कोई हैवी चीज मतलब कर रहे हैं वो चीज नहीं करना चाहिए, अगर आप जिम वर्कआउट करें क्योंकि उसमें आपको हैवी वेट उठाना होता है तो वो कोशिश करें अवॉइड करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, इट अगेन डिपेंड्स ऑन बॉडी। जैसे मैं हूँ, आई एम डूइंग फ्रॉम 10 ईयर्स, आई डू मेनी वर्कआउट और डू एवरीथिंग, बट आई डोंट मतलब बहुत ज्यादा मुझे इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो भारी चीजें करने से उठाने से बचें, कोशिश करें। अगेन मैं रिपीट करूंगी, ऑयली फूड अवॉइड करें, पेन किलर्स अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें, ठीक है, और कोल्ड वाटर अवॉइड करें, मिल्क अवॉइड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, आप किसी को सूट करता है किसी को सूट नहीं करता। जी, तो एक तरह से आप ये बता रहे हैं कि हम लोग जो भी इस तरह के चीजें हैं जो अननेचुरल हैं उनको हम लोग यूज ना करें, जैसे कि दवाइयां वगैरह हो रही है, ये नेचुरल प्रोसेस है तो इसको भी नेचुरली ही हमें डील करना चाहिए। और आपने इसको शुरुआत में ही बताया कि नेचुरल वे में जो तरीका है यूज करने का वो योग है, तो सीधा योग के पक्ष में ही जाते हैं कि इसमें योग किस तरह से हेल्प कर सकता है एक वुमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो जैसा कि जब इस साइकिल से हम गुजरती है जब लड़कियां, तो क्या होता है बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, पेन होता है बॉडी में, इसके अलावा आप जब ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम बहुत तरीके की चीजें होती हैं, लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है। तो योग क्या करता है, योग आपके बैलेंस आपके हार्मोनल को आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं, एक तो उसमें आपको रिलीफ मिलता है, जो स्ट्रेस होता है उसको रिलीज करता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो क्रैम्स आपको होते हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान उसको कम करता है, ठीक। और
हमारी बॉडी उस टाइम बहुत हैवी सी होती है, बहुत लेजी लेजी फील करते हैं। तो हम जब योगा प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमें फ्रेश रखता है। और जो मूड स्विंग्स का जो प्रॉब्लम होता है, जो स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है, जो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, तो इस चीज को कम करने की कोशिश आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है योग। तो जितने बहुत सारे लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे इररेगुलर होना, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग होना, थिकनेस होना, हैवी ब्लीडिंग होना या ब्लीडिंग कम होना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक पीसीओडी का प्रॉब्लम है, पीसीओसी का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वेट कम होता है। तो योग क्या करता है, इस चीज को, इस चीज में हेल्प करता है। एंड योग इज नॉट जस्ट फॉर फिजिकल, ठीक है, ये हमारी सिर्फ बॉडी के लिए नहीं होता, बल्कि हमारे मन के लिए भी होता है। एंड योग इज द लाइक स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत आपको इफेक्ट करता है। जैसे अगर हम चक्रास की बात करें, दिस इज वेरी डीप स्टडी, बट मतलब मैं शॉर्टकट में बताऊंगी, योग हमारे मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हर तरीके से आपको हेल्प करने की कोशिश करता है। तो आपने एक नेशनल में बताया कि होलिस्टिक हेल्थ के लिए अगर हम लोग योग को अपनाते हैं तो उसमें भी वो हेल्प करता है, और ये एक जो नेचुरल प्रोसेस है इसको भी नेचुरली होने में और विदाउट एनी डिजीज, जो डिजीज यानी कि जितना भी दिक्कत होने के अलावा में हो सकते हैं, तो इसको करने में मदद करता है। तो इसमें एक बेसिक सा आप हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी योग का एक एस्पेक्ट है वो हमें आराम से मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में हेल्प करता है, और वो सिर्फ फिजिकली ही नहीं होता है, मेंटली होता है, क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं और अजीब सा खाने का मन, जैसा आपने शुरू में बताया था, इस तरह की चीजें होती हैं, तो उसमें हेल्प करता है। तो इसमें एक बहुत ही, जब हमने इस पर थोड़ा शोध करा था और थोड़ा सा पता लगाने की भी कोशिश करी कि ये क्या क्या चीजें और प्रॉब्लम्स हो सकती है, एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन इसमें लेकर आ रहा था कि बहुत लोगों को ये पता नहीं है या उनको इसमें कंफ्यूजन है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले करें तो ठीक है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान योग के कुछ प्रैक्टिसेस वो करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है कि हमें इस दौरान योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को मानना है कि करना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इंटेंस वर्कआउट करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इंटेंस वर्कआउट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इन्वर्जन पोस्चर्स करने चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि इन्वर्जन पोस्चर्स नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत अलग अलग लोगों के मन से अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। तो अगर हम फैक्ट चेक करें, ठीक है, तो क्या है कि अगर मैं ये कहूंगी कि अगर आप कंफर्टेबल हैं, बिकॉज डेफिनेटली योगा विल हेल्प यू, अगर आप ट्राई करते हैं, आप कभी भी ट्राई करिए, आप पीरियड्स के दौरान जब आप योगा करते हैं, यू विल फील सो रिलैक्स। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई एम टेकिंग क्लासेस फ्रॉम योर्स, एंड देयर आर मेनी पीपल हु ऑलवेज से कि मैंने जब भी पीरियड्स पे योगा किया है, आई फील मच मच बेटर, ठीक है। बट जब रही बात इंटेंस वर्कआउट की और इन्वर्जन पोस्चर्स की, ठीक है, तो हमको वो अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज हमारा ब्लड फ्लो डाउन की तरफ जाता है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो जब ये हम अपोजिट डायरेक्शन में हम कोई पोस्चर करते हैं, लाइक सर्वांगासन हो गया, शीर्षासन हो गया, तो ऐसे टाइम में क्या होता है, यूट्रस का जो वो चीज होती है वो चेंज हो जाती है, मतलब ब्लड फ्लो का डायरेक्शन चेंज होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। तो इसके ये सारी चीजें प्रॉब्लम करती हैं। तो मैं ये कहूंगी कि पीरियड्स के दौरान आप योगा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, अगर आपको लगता है बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, मैं नहीं कर सकती, या बहुत ज्यादा अनलेस वो फील कर रहे हैं, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। आप बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस, जैसे बिगनर प्रैक्टिस हो गया, नॉर्मल स्ट्रेचेस कर सकते हैं। देर आर मेनी आसनास जो हम अभी आगे शायद बताऊंगी मैं कि क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, है ना, तो क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके दौरान। बट ये चीज दिमाग से निकाल दें कि हम इस दौरान योगा नहीं कर सकते हैं। आपको इंटेंस बहुत ज्यादा नहीं करना है, आप जिम वर्कआउट जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, लाइक अगर डंबल के साथ आप करना क्या बोलते हैं, डंबल के साथ कर जो करते हैं प्रैक्टिस वो ना करें, इन्वर्जन पोस्चर्स ना करें, आप स्ट्रेचेस कर सकते हैं, आप नॉर्मल योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम बहुत हेल्पफुल होता है, वो सारी चीजें आप दौरान कर सकते हैं। जी, और ये चीज
इस तरह से भी बहुत हेल्पफुल है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि योग के बहुत सारे डायमेंशन है, योग में सिर्फ आसन प्राणायाम और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पूरे योग को एक होलिस्टिक अप्रोच, जैसे आपने बताया कि फिजिकल मेंटल इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर ये काम करता है। तो हम लोग इस, जैसे आपने भी बताया और अभी हम लोग इस प्रश्न में भी जा ही रहे थे कि जो प्रैक्टिसेस हैं बेसिकली ये बहुत अच्छा रिलीफ होगा बहुतों के लिए जो योग करना चाह रहे थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान योग करें कि नहीं करें, इस कंफ्यूजन को आपने दूर करा। और एक दूसरा प्रश्न फिर इसमें सामने आ जाता है कि करें तो क्या करें, तो इसमें आप थोड़ा सा ये बताएं कि जो भी प्रैक्टिसेस हैं सिर्फ आसन ही नहीं, उसके अलावा भी और जो भी प्रैक्टिसेस योग की हैं कौन कौन से हेल्पफुल हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक क्वेश्चन अलग से लूंगी, हो सकता है ये टॉपिक से हट के हो, पर जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस कि बहुत इट्स जस्ट नॉट अबाउट मेंस्ट्रुएशन टाइम, ठीक है, इट्स ऑलवेज, अभी भी हमारे अभी इस पैंडेमिक में, इस कोरोना के आने के बाद अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर नहीं है योग करने के लिए, ठीक है, उनको लगता है आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, I don't have any knee problem, I don't have any back problem or cervical, why I should practice yoga, I do gymming, why I need to go for yoga, ठीक है? So, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, this is general, but when मैं अगर women's की बात करूँ तो वो भी उनका कहना ये होता है कि मैं हम घर में हैं, हमको टाइम नहीं मिलता, हमारे पास बहुत सारे काम हैं। मैं कहती हूँ हमने ये जो हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि कितना इम्पोर्टेंट है, आपके पास हर चीज के लिए टाइम है, आप खाना बनाते हैं, आप खाना खाते हैं, आप नहाते हैं, आप अपने सारे रूटीन को फॉलो करते हैं, तो अपने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको हेल्दी रखता है उसको फॉलो करने के लिए आपके पास टाइम क्यों नहीं है, और नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको टाइम निकालना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये जो आज का हमारा टॉपिक है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये तभी सफल होगा जब आप जागरूक होंगे करने के लिए, एंड नॉट जस्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये अगर हम पहले से भी प्रैक्टिस करते हैं तो भी मेंस्ट्रुएशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है आपको, इवन प्रेगनेंसी में भी इसके आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान या किसी भी चीज की, इवन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप जब आप 30 40 50 और 60 में जाते हैं फिर आपको पता चलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड द नॉर्मल पीपल हु आर नॉट प्रैक्टिसिंग योगा, यू फील सो यंग, यू फील सो एनर्जेटिक। तो आई जस्ट वांट टू से कि आप सिर्फ मेंस्ट्रुएशन के दौरान प्रैक्टिस की बात मैं नहीं करूंगी, मैं हमेशा प्रैक्टिस करूंगी। अब बात आती है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है, और क्या नहीं करना चाहिए। तो देर आर आसनास लाइक बद्ध कोनासना, अगर मैं ऐसे सिर्फ बोल बोल के बताऊंगी तो आपको नहीं समझ पाऊंगी, आप लोग नहीं समझ पाओगे, तो मैं थोड़ा सा कैमरा फिक्स करूंगी और आपको दो चार आसन करके बताऊंगी कि क्या क्या होगा, अदरवाइज तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा ये मेन टॉपिक है कि क्या करना चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच, मतलब इसके लिए तब तक आप कैमरा सेट करें, हम लोग आपके बारे में, किसी के पास प्रश्न है, क्वेश्चंस है, तो आप प्लीज अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चंस वाले जो बॉक्स है उसमें आप डाल सकते हैं। और इन द मीन टाइम हमें इसमें हम आम करके बता रहे हैं कि किस तरह से जो आसनियों के अभ्यास है वो करने चाहिए। तो ओवर टू यू मैम। So the first asana is, I'll say, it's called Baddha Konasana, ठीक है? So during menstruation में आपको क्या करना है, ये दोनों पैर बहुत, आप मतलब आपको मैट की जरूरत भी नहीं है, आप बेड पे भी कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठे हुए हैं सोफे पे भी बैठ के कर सकते हैं, इसके लिए आपको नीचे बैठने की कोई जरूरत नहीं है, आप कहीं भी बैठ सकते हैं, जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, कीप योर बोथ लेग्स स्ट्रेट फ्रंट, ओके, नाउ बेंड योर नीज वन बाय वन एंड टेक योर फीट टुगेदर, ठीक है, and then just hold it, try to keep your heels near the pelvis, ठीक है, जितना क्लोज रख सकते हैं अंदर की तरफ उतना क्लोज रखेंगे। अब क्या होगा, अब बहुत सारे लोगों के थाइज यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, क्यों हो जाएंगे, बिकॉज आपका हिप जॉइंट ओपन नहीं है, आप उतने फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आप सब, तब आपको ये एहसास होगा कि हम कितने पानी में हैं और हमें कहाँ जाने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपकी प्रैक्टिस मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर आप करते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं मुझे सिर्फ इस वक्त में नहीं बल्कि हमेशा करना चाहिए, ठीक है, तो प्री भी पोस्ट भी। तो क्या करना है आपको, ये ऐसे पकड़ के रखना है और अपने थाइस को नीचे की तरफ प्रेस करना है। इस टाइम क्या होता है, यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा, ठीक है,
या आपको हिप जॉइंट में स्ट्रेच फील होगा। इसके साथ साथ आप ये आसन जो इसको बोलते हैं बद्धकोणासन, ये आसन आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो पेन होता है, जो क्रैम्स होते हैं आते हैं, उससे बहुत आपको लाभ मिलता है। तो इस प्रैक्टिस को करना है, ठीक है, ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है। आप बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। बटरफ्लाई में क्या होता है, जो आप तो ये पोस्चर करना है, आप 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आई शो यू फ्रॉम द साइड दिस पोस्चर, डू नॉट हंच योर बैक, दिस इज रियली रियली नॉट गुड फॉर योर बैक बिकॉज आवर स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड विद द ब्रेन, सो यू नीड टू कीप योर ऑलवेज योर बैक स्ट्रेट। सो दैट्स हाउ यू नीड टू डू दिस पोज, ठीक है। द नेक्स्ट पोस्चर इज जानुशीर्षासन, ठीक है। जानुशीर्षासन में आपको क्या करना है, पैर यहीं है, सिर्फ यहीं से सीधे आपको एक पैर सीधा करना है, ठीक है। सॉरी फॉर माय लेग हियर, सो इन पेल्विस रीजन, हैंड्स ओवर द हेड विद द ब्रीदिंग, सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ को ऊपर लेके जाना है। और फिर क्या करना है, आई विल शो यू फ्रॉम द साइड सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बैक। यू हैव टू टेक योर लेंथन योर स्पाइन एंड वेरी स्लोली एक्सहेल, टेक द स्टमक डाउन, चेस्ट डाउन, ऑन द नीज, ऑन द थाइस, ओके। ये वाली गलती भूल से भी ना करें, ये अगर आप ये करते हैं तो आपको सही जगह पे अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बात करती हूँ कि योग में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस, अलाइनमेंट, ब्रीदिंग। अगर ये तीनों चीजें ही नहीं है आपके प्रैक्टिस में, सो आपका प्रैक्टिस का करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। आपको क्या करना है, अलाइनमेंट का बहुत ध्यान देना है, ब्रीदिंग का ध्यान देना है, और अवेयरनेस कि कहाँ स्ट्रेच हो रहा है। सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर करना है, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाना है, स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए और अपने टोज को पकड़ना है। अब प्रॉब्लम ये होगा आपको, जो लोग फ्लेक्सिबल नहीं है, कि मेरा हाथ तो टोज को पहुंच ही नहीं रहा है, तो क्या कैसे पहुंचाना है, आप अपने नी को थोड़ा सा बेंड कर लीजिए, होल्ड कीजिए अपने स्टमक को, अपने थ्रोट को थाई से लगा कर रखिए, और धीरे धीरे अपने पैर को स्लाइड करते हुए हील से स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे एक दिन आप शायद यहाँ पे होंगे, दूसरे दिन यहाँ पे होंगे, तीसरे दिन यहाँ पे होंगे, बट डेफिनेटली मैं गारंटी देती हूँ कि एक दिन जरूर आप होंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा सेकेंड प्रैक्टिस। अब आता है तीसरा, काउ कैट। काउ कैट जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए आपको फायदेमंद है, जैसे आप थोड़ा सा मैं कैमरा से सिट करूंगी तो आप देख पाएंगे। काउ कैट पीसीओसी में भी अच्छा है, पीसीओडी में अच्छा है, इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी अच्छा है, ठीक है। क्या करना है आपको, सबसे पहले टोज फ्लैट रखना है, योर नी शुड बी अंडर द जॉइंट, योर रिस्ट शुड बी अंडर द शोल्डर, ठीक है। स्प्रेडिंग योर फिंगर्स, योर पाम्स ऑन द ग्राउंड, and you have to slowly your belly towards the ground and arching your back, hips out, chin up, stretch the throat, okay, and just exhale and stretch the back. So your chin to the collarbone and stretching the spine up and down. This practice you can do 5 to 6 times, 15 times as you arch back and exhale, stretch the back. ये 10 से 15 बार करने के बाद आपको क्या करना है, चाइल्ड पोज है। आपको यहीं से नीचे की तरफ, मतलब ऐसे वज्रासन में आपको पता होगा, ऐसे बैठना है, हील को अपने अपने हिप्स को हील पे रखना है, चेस्ट और स्टमक को नीचे रखना है, अपने दोनों हाथ को सामने की तरफ स्ट्रेच करते हुए फोरहेड को जमीन से लगाना है। तो इसको चाइल्ड पोज। तो आप पहला मैंने आपको बताया बद्धकोणासन, दूसरा मैंने आपको बताया जानुशीर्षासन, दोनों पहले करना मैंने बताया, पर आपको दोनों करना है। तीसरा आपको बताया मैंने काउ कैट बताया, और चौथा मैं आपको बता रही हूँ चाइल्ड पोज, ठीक है। तो चाइल्ड पोज का प्रैक्टिस जरूर करना है काउ कैट करने के बाद। ये पोस्चर बहुत, मतलब आपको रिलीफ देता है,
ये जो चाइल्ड पोज है ये एक रिलैक्सिंग पोज है, ठीक है। आपको जो पेन का प्रॉब्लम होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, आपको जो पेन होता है वो क्या करता है, आप ऐसे, मैंने कहा ना आपको स्टार्टिंग में, यही पोज है, बैठे ऐसे स्टमक में जो पेन होता है उसको रिलीव करता है, और क्रैम भी रिलीव करता है। लास्ट आसन बताऊंगा, लास्ट है ब्रिज पोस्चर। ब्रिज पोस्चर सेतु बंधासन जिसको हम बोलते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। सेतु बंधासन में क्या करना है आपको, लेट जाना है अपने जगह पे, ठीक है, और अपने नीज को बेंड करना है, ठीक है। सो योर हील शुड बी नियर द हिप्स, क्लोजर टू द हिप्स, कीप योर लेग्स हिप्स अपार्ट, योर पाम्स बिसाइड द थाइस ऑन द फ्लोर, ओके। योर नेक शुड बी इरेक्ट, ठीक है, यू कांट सी नाउ बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, योर नेक शुड बी इरेक्ट विद द स्पाइन। Now what you have to do is inhale and very slowly, just gently lift your stomach up as much as stretching up. If you feel the stretches in entire thighs, knees, chest, and here on the shoulder also, okay? Lift as much as you can and hold for 10 to 15 seconds and come back. So you can repeat this pose 5 to 6 times. So एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी। इसके अलावा आपको नीलाचल ये हमेशा हमेशा आपको हाँ धनवासन के बारे में बताते रहेंगे, ठीक है, पोस्ट पोस्ट प्लान क्या 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 करना चाहिए। बस अभी एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला मैंने बताया क्या, बद्धकोणासन, तीसरा बताया मैंने काउ कैट, चौथा बताया मैंने चाइल्ड पोज, ठीक है, और पांचवा बताया मैंने ब्रिज जी सेतु बंधासन। तो ये पांच जो प्रैक्टिस हैं आपको करने हैं, ये मेंस्ट्रुएशन में बहुत बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होते हैं। ये शायद मेरी बातों का यकीन नहीं है तो आप खुद करके देखिए, इस बहाने आप कम से कम प्रैक्टिस करेंगे तो करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, रिलीफ। जी। इसमें एक चीज थी जो क्वेश्चन बॉक्स में प्रश्न भी आया था, जैसे आपने बद्धकोणासन और जो दूसरे प्रैक्टिसेस बताई उसमें, कि क्या जिनका जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो वो क्या प्रॉप्स का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या इस प्रैक्टिस के दौरान में? हाँ, प्रॉप्स क्या है, हेल्प करेगा, आप इसमें ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप ब्रिक पे, दोनों ब्रिक है, आप उसको लगा करके एक साथ ब्रिक पे बैठ सकते हैं, या एक ब्रिक है तो एक ब्रिक पे भी बैठ सकते हैं। ब्रिक पे बैठ करके अगर जब आप करेंगे तो थोड़ा पैर आपका थाइस नीचे की तरफ जाता है ना, तो आप ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो ब्रिज पॉस्चर बताया उसमें आप व्हील का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बॉल आता है, बास्केटबॉल है, वो जो बॉल आता है उसको उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जी, तो मतलब जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है और जिनके नीज ऊपर ही की तरफ में नीचे नहीं जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो किसी प्रॉप्स का इस्तेमाल करें इनिशियली, तो वो उनको हेल्प करती है। और आपने जिस तरह से बताया ये जो पांच आसन है ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है, कुछ ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस? इन केस अगर ब्रिक नहीं है तो आप पिलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हार्ड पिलो है तो आप पिलो का भी यूज कर सकते हैं। जी, इसके अलावा जो आप ब्रीदिंग के प्रैक्टिसेस बता रहे थे कि कुछ प्रैक्टिसेस और भी करने चाहिए या मेडिटेशन कुछ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए। ठीक है, अब आते हैं कि हम प्राणायाम की बात करेंगे। अब प्राणायाम क्यों इम्पोर्टेंट है, प्राणायाम क्या करता है, प्राणों का आयाम, ठीक है, हमारी बॉडी में एनर्जी देता है, हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता है कब सांस जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है और वापस कहाँ तक आ रहा है, ठीक है ना। तो जब हम सांस मेरी सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे आर्टरीज वेन्स और पूरे हमारे बॉडी में जाता है, ठीक है। अब हम बार बार जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये सबसे पहले तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, ठीक है, दूसरी चीज हमारे बॉडी में एनर्जी देता है। तो जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपको जो स्ट्रेस होता है, जो पेन होता है, और बार बार जो मूड स्विंग्स होता है और इरिटेशन होती है, जो उससे बहुत आपको रिलीफ करता है। तो अगर प्राणायाम, नॉर्मल प्राणायाम आप जो करें, एक है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम मीन्स होता है, विलोम मीन्स उल्टा होता है। तो अनुलोम मतलब जो सांस लेना है, विलोम मतलब दूसरे नाक से, उल्टे नाक से सांस छोड़ना है। तो इसको भी मैं टेक्निक आपको बता देती हूँ क्या करना है। अपने मैं सीधे हाथ से बताती हूँ, ये फिंगर्स को इनसाइड रखना है, देयर आर टू फिंगर्स, मुद्रा है, मुद्रा भी आप कर सकते हैं। ये मुद्रा करने के लिए आपको टू फिंगर्स ये आज्ञा चक्र के पास रखना है, अपने राइट थंब से इसको क्लोज करना है, और लेफ्ट लास्ट के टू फिंगर्स से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है, और राइट, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, राइट से थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है, लास्ट फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को,
बंद करना है, यहाँ पे रख सकते हैं या फिर रख सकते हैं विष्णु मुद्रा. इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्टल, क्लोज द लेफ्ट नॉस्टल एंड एक्सहेल फ्रॉम द राइट. ठीक है, योर एक्सहेलेशन शुड बी मोर लॉन्ग देन इनहेलेशन. ठीक है, आपको सांस तब तक लेना है जब तक पूरा हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ऐसा लगे कि अब सांस अंदर नहीं जाएगा, पूरा फुल हो गया है. ठीक है, और सांस तब तक छोड़ना है जब तक आप लगे कि अब एनर्जी नहीं है सांस छोड़ने के लिए. इट शुड बी ऐसा होना चाहिए. सो इफ यू आर इनहेलिंग 2, 3, 4, सो यू शुड एक्सहेल 2, 3, 4, 5, 6. सो मेक श्योर योर एक्सहेलेशन शुड बी मोर लॉन्ग देन इनहेलेशन. अब एक चीज और है, भस्त्रिका. ठीक है, भस्त्रिका और कपालभाति. कपालभाति को हम प्राणायाम में, जो लोग एक्चुअली योगा के बारे में पता है वो प्राणायाम नहीं है, वो क्लींजिंग है. बट कुछ लोग समझते हैं कि प्राणायाम है. मैं उनके लिए क्लियर कर दूं कि कपालभाति मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपको नहीं करना है, भस्त्रिका भी नहीं करना है. तो ये दो चीजें बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आपको कपालभाति, जो सांस बार बार छोड़ते हैं एक बार सांस लेके, वो आपको नहीं करना है. और भस्त्रिका, जो सांस लेते छोड़ते हैं बार बार, उसको भी मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपको नहीं करना है. आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, आप चंद्रभेदी कर सकते हैं, सूर्यभेदी, ये सारे प्राणायाम कर सकते हैं, बट कपालभाति और भस्त्रिका नहीं करना है. तीसरी चीज होती है, ये मेडिटेशन की बात करते हैं. मेडिटेशन अगेन ये आपके स्ट्रेस को दूर करता है, आपके बॉडी को रिलैक्स करता है, और जो लेजीनेस होता है उसको आप फ्रेश फील करते हैं. इसमें योग निद्रा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. योग निद्रा क्या करता है, आपके हेड से टो तक आपको पूरा रिलैक्स करता है. तो 5 से 10 मिनट तक, 15 मिनट का आप योग निद्रा का प्रैक्टिस अगर इस दौरान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा. जी, तो कुल मिलाकर जो योग की जो प्रैक्टिसेस हैं इनको अगर इन्हीं तक सीमित रख दिया जाए, और अपने को ज्यादा नहीं तो सिर्फ 15 से 20 मिनट, आधे घंटे अगर टाइम खुद को दे दिया जाए इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में, तो अपने आप को हेल्दी रखा जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से. तो ये चीजें आपने बताई और ये बहुत ही नेचुरल तरीका है, और ये आपने शुरू में ही पॉइंट रखा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा था कि जब हमारे ऊपर, जो हमारी घर पे जितने भी महिलाएं हैं, बहन है, मम्मी है, दीदी है, जो भी है, जितने भी महिलाएं हैं, तो अगर उनके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, अगर वो अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश नहीं करेंगी और वो भी नेचुरल तरीके से, तो वो फिर बाकी जितनी जिम्मेदारियां हम वो कैसे करेंगी. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अभी ही नहीं और बाद में भी वो योग को अपने लाइफ में, अपने पूरे रूटीन में अप्लाई करें और इम्प्लीमेंट करें. तो ये आपने पूरे जो पूरा एक स्मॉल पैकेज बना कर दिया है, ये बहुत ही शानदार है और लोग इसको डेफिनेटली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे. और मैं बाकी दर्शकों को जो अभी भी देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, उनके लिए बता दूं कि स्नेहा मैम का लगातार इनका पेज भी है, तो उसको भी फॉलो करें. और उसमें भी इनके बहुत सारे पोस्टर्स हैं और वो अलग अलग तरीके से भी चीजें बताती हैं, तो आप उनको फॉलो करके और भी जो जानकारियां हैं इनसे पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं और ये डेफिनेटली उनका समाधान आपको कर देंगी. और सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड ही नहीं, अन्य जितने भी कोई और योग से संबंधित चीजें होंगी वो भी कर सकती हैं. तो मैम, आज का जो सेशन है हम लोग ने यहाँ पर करा, इसके अलावा कुछ लास्ट के 2-3 पॉइंट्स जो आप सभी के लिए, कि जनरल केस में अब नवरात्रि भी चल रही है और योग का भी एक माहौल बना हुआ है अभी, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज. सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद बोलना चाहूंगी, थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप जो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो आपके पेज पे मैंने देखा कि बहुत लोग आते हैं, आप गेस्ट बुलाते हैं, तो ये प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, अवेयरनेस जो फैला रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा, वो काबिल तारीफ है कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. और इसी तरीके से आप करते रहिए. मेरी तरफ से हमेशा हमेशा मैं सपोर्ट करूंगी आपको, और आप सब लोग सपोर्ट करें, मैं ये चाहूंगी. जो लास्ट मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि एक ही चीज कहूंगी कि भी नवरात्रि चल रही है, आप बहुत सारे लोग फास्ट भी होंगे, पर अपने शरीर से कोई लापरवाही ना करें. आप इनफ मात्रा में अपने बॉडी को कैलोरी देने की कोशिश करें. ऐसा नहीं कि आप फास्ट हैं तो आप कुछ नहीं खाएं. इस दौरान आप अन्न नहीं खा रहे हैं, आप अगर सॉल्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा बॉडी को कैलोरी देना बहुत जरूरी है. तो प्रॉपर ध्यान रखिए एंड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन टू आपको पानी ज्यादा पीना है. तो अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिए, साधना करें, उपासना करें, आराधना करें, सब करें, पर अपना ध्यान रखते हुए.
क्या होता है लास्टली मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो हमारे गुरु हैं, मैं उनकी बात बताते हुए खत्म करना चाहती हूँ। तीन चीज उन्होंने बताई है, उपासना जो अभी टाइम चल रहा है, साधना जो अपनी होती है, और आराधना जो सबकी की जाती है। तो उपासना भी करें, साधना भी करें, आराधना भी करें। तो साधना अपनी कैसे करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना ध्यान रखें, क्योंकि हम अपना ध्यान रखेंगे तो हम सबका ध्यान रखेंगे। और तभी जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, ये तभी होगा संभव जब हम स्वस्थ रहेंगे। पता चला हम बेड पे हैं और हम आत्मनिर्भर भारत का नारा लगा रहे हैं तो सफल नहीं होगा। तो अपना भी ध्यान रखें, अपना घर का भी ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक जी यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड दिस प्रोग्राम, लाइक ऐसे प्रोग्राम चलाने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे बुलाते रहें लोगों को, प्रोग्राम कराते रहें, और प्लीज आप सब लोग इनको फॉलो करें, इनके पेज को। इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के लाइव सेशंस किए हैं और आगे भी करेंगे। आप सब लोग सपोर्ट करें, ये मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही हम समापन करते हैं आपका भी, और अब हम आप हमारे कॉल पर आए और आपने एक बहुत ही शानदार सेशन दिया, लोगों की शॉर्ट पैकेज भी दे दिया क्या करना चाहिए, बहुत ही मतलब सफे से दूर करा। इसके लिए हम भी लिव होलिस्टिक की टीम से आपका धन्यवाद करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।